बताया कि ताना कैसे लपेटा जाता है। लपेटने के बाद ताना जब तैयार हो जाता है तो मशीन पे इस प्रकार से लपेटे हुए ताने को रख के और जो है कि पीसिंग मतलब जुड़ाई ताने की जाती है। अभी हम आपको जोड़ के इसको दिखा रहे हैं कैसे जोड़ा जाता है तानी को मशीन पे रख के। ये जो है राख है, ये राख है जो है इसमें रजन मिलाया हुआ है। रजन जो मार्केट में मिलेगा इसमें मिलाने के लिए, रजन जो है इसमें मिलाने के लिए मार्केट में मिलता है, हम लोगों ने मिलाया है इसको। अब इसको अपने हाथ में इस प्रकार से लगा लेते हैं। लगाने के बाद इस हाथ को इस प्रकार से करेंगे और उंगलियों को इस प्रकार से ताकि धागे अलग अलग हो जाएं, ऐसे करेंगे। फिर इधर के धागे को इस हाथ से ऐसे उठाएंगे, ऐसे लेंगे, फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे, फिर सीधा लपेट देंगे। ये हो गई पीसिंग। इस प्रकार से हम सब पीसिंग करते हैं। ये पीसिंग करने का तरीका है। इस प्रकार से हम ताने की जुड़ाई करते हैं, ऐसे हटाते हुए फिर हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। रजन कब होने पर दोबारा हम इसको लगाएंगे इस प्रकार से। प्रकार से हम सारे ताने को जो इसमें जितने धागे हैं सभी को इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। मान लीजिए टूट गया जो पाने योग्य है, जो बाहर चला जाता है बै से, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलता है बै के बाहर उसको लेके हम फिर दोबारा भी जोड़ लेते हैं ताकि ज़्यादा धागे टूटे हुए इसमें दिखाई न पड़े जुड़ाई के बाद। इस प्रकार से पूरी तानी को हम सब जोड़ लेते हैं। जोड़ते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ये जो पट्टी है मतलब एक साइड की है, इसलिए डबल धागे जुड़ते हैं। पट्टी में 24 धागे होते हैं, जो हमारे यहाँ चलता है इसमें 24 धागे होते हैं पट्टी में, इसलिए इधर से भी डबल रहेगा, इधर से भी डबल रहेगा। और इसके बाद 24 धागे के बाद सब सिंगल धागे जुड़ते हैं इस प्रकार से अलग अलग। पहले में जो है कि पट्टी बनानी पड़ती है कपड़े में। पट्टी के लिए थोड़ा मजबूत धागा चाहिए। मजबूत धागे के लिए हम सब उसको डबल धागे जोड़ते हैं एक में, मतलब जो हम सब इसमें एक बै में एक धागा होना चाहिए मगर एक बै में दो धागे होते हैं, पहले स्टार्टिंग में और अंत में, दोनों में इसी प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ती है हम सबको ताकि पट्टी मजबूत रहे और कपड़ा जल्दी फटे नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है इसके बाद बीच में सारे से 24 इस तरफ और 24 उस तरफ लास्ट में, पहले और लास्ट में छोड़ते हैं, जोड़ते हैं। इसके बाद सब सिंगल धागे जोड़े जाते हैं पूरे तानी में। इसके बाद हम सब जोड़ने के बाद
ये जो गांठी पड़ी हुई है यहाँ पे, इसको हम सब फन्नी के पार ले जाएंगे ताकि शटल हमारा जो है मशीन जब स्टार्ट हो, कपड़ा जब स्टार्टिंग हो, तो शुरू से कपड़ा बढ़िया आना शुरू हो जाए। इस जो तानी ये नई बनी है, ये इसी तानी पे ही शटल चलेगी और इसी से धागा, इसी पे शटल चल के धागा यहाँ से कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाएगा। यही इसका प्रोसीजर है। इसको कपड़ा बुनाई मशीन हम सब यहाँ पर कहते हैं और इसको सांचा मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये भीम जो ड्रम मशीन पर से उतार के लगाई गई है, जो आगे हमने आपको दिखाया है, ये भीम है। ठीक है, इसको हम सब गुल्ला बोलते हैं, जो ये प्लास्टिक की पाइप लगी हुई है। ठीक है, ये गुल्ला है, ये राज, इसको हम सब बै बोलते हैं। इसमें जो लगा हुआ है, जिसमें धागे पिरोए हुए हैं, इसमें से धागे पिरो के हम सब फन्नी में, इधर जो भाग है ये फन्नी का भाग है। ये जो है सोलर पावर मशीन है, इससे कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक, ये जो है सौर ऊर्जा से चलाई जाती है, इसमें मोटर भी लगा हुआ है, ये मोटर है। ठीक है, जिसका कनेक्शन, ये सौर ऊर्जा का प्लेट लगा हुआ है ऊपर, उससे कनेक्शन आया हुआ है इसमें। इसमें बैटरी लगी हुई है 24 वोल्ट की, 12-12 वोल्ट की दो बैटरियाँ लगी हुई हैं और मोटर फिट है और ये पट्टा लगा हुआ है। ठीक, अब हम जब तानी जो है ताना ड्रम मशीन से बनाते हैं, बनाने के बाद उतारने के बाद हम इस पर लाके, जैसा कि हमने पहले बताया, जोड़ के फिशिंग करके आपको दिखाया है कि इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको हम भीम बोलते हैं और ये इसके भाग हैं सकारा, इसको बोलते हैं सकारा। ये है गुल्ला और ये भी गुल्ला है, फन्नी इसके आगे लगा हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे हम। ठीक, और इसके बाद मोटर पे, ये जो है मोटर से पट्टा अटैच है और ये पुलिया लगा हुआ है जिसके द्वारा चलाया जाता है मशीन को। साफ्टिन भी है इसमें। ठीक, इसके बाद ये तानी को टाइट करने के लिए हम सब लोडर इसको बोलते हैं, लोड रखे हुए हैं ताकि तानी का दबाव नीचे को रहे, ढीला न पड़े, कपड़ा सही आए। ठोक जो है, फन्नी जब ठोकती है तो सही कपड़ा आए। अब इसके बाद इसमें जो पार्ट होते हैं, ये हत्था है, इसको हमने आपको गुल्ला बताया, और ये जो तार के बने हुए हैं इसको हम बै कहते हैं। इसमें से धागा पिरो के इस तरफ हम सब निकालते हैं और ये भाग जो होता है फन्नी का भाग है। ठीक, और ये जो इसमें लगी हुई है, ये इसको हम सब शटल बोलते हैं। ये शटल है और ये इसमें लगा हुआ बॉबिन, जो हमने पहले आपको दिखाया गया है कि भर के दिखाया गया है, इसको हम इसमें डालते हैं मशीन में। ठीक, और ये है चक्कर, जिससे कपड़ा खींचता है और इससे ढीला भी होता है। जैसे हम इसको उठा लेंगे तो ये ढीला हो जाएगा, उधर को जाएगा भीम की तरफ, इसको हम रख देंगे सीधा हो जाएगा। ये कपड़ा मतलब तैयार हो रहा है, इस पर अभी हमने दिखाया है। ये इसका स्टार्टर है, जिससे मोटर जो है मशीन चालू की जाती है, सोलर पावर बुनाई मशीन। इसमें मोटर में लगा हुआ ये बटन है, जिसको हम इस प्रकार से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मोटर हो गई चालू, चालू हो गई मोटर, तो हमको जब चलाना पड़ता है तो हत्थे पे थोड़ा हाथ रखना पड़ता है इसको चलाने के लिए, ताकि झटका न दे, इसको चलाने के लिए दे देते हैं। ठीक, चलाने से पहले एक प्रक्रिया इसमें देखी जाती है कि जैसे कपड़ा बरोबर है कि नहीं है। अगर कपड़ा बरोबर नहीं होगा तो मतलब झटका देगा, तो इसको हम इसे चक्कर से इसको बरोबर कर लेते हैं, ताकि ये जो फन्नी है सही ढंग से अपने स्थान पे हो जाए और कपड़े पर सही ठोक लगाए। ठीक, अब इसको हम इस प्रकार से करके फिर इसको हम चालू करते हैं, इस प्रकार से मशीन चलने लगती है। ठीक, और ये रोल है, इसको हम रोल बोलते हैं, इसमें कपड़ा लपेटता है, और यह है तांता, जो कपड़े की पकड़ को बनाए रखता है। ये इसमें खुरदुरा होता है, ये खुरदुरा होता है जो कपड़े को पकड़े रखता है, भागने नहीं देता है आगे की तरफ से, और सीधे रोले में कपड़े को लपेटता है। ठीक, ये है टेम्पल, इसको हम टेम्पल बोलते हैं मशीन के भाग में, इसको भी टेम्पल हम बोलते हैं। इसका कार्य है कपड़े को सीधा रखना,
ताकि कपड़ा जब भी आए रोले में तो सीधा आए। और जो है ये जो है इसको हम मार डंडा बोलते हैं, इसको पट्टा बोलते हैं। हम सब यहाँ पे जिसके द्वारा ये जो है जब इधर को जाएगा तब मारेगा, ठीक है। वहाँ नीचे साफ्टीर में लगा हुआ है मार, जो है लोहे का पार्ट है जे वाला, ये जो लोहे का पार्ट है वो मारता है। देखिए अभी हम चला के आपको दिखा दे रहे हैं एक बार फिर आराम से बारी बारी से। देखिए जब वो मारता है इसी प्रकार से ये मशीन चल रही है, इसी प्रकार से कपड़ा तैयार होता है। अभी हमने इसके पहले जो है पीसिंग करके आपको बताया था कि पीसिंग के बाद हम जो है कि आगे की तरफ खींचते हैं इन जो है बै में से और फन्नी में से पार करके उस तरफ ले जाते हैं। हमने यहाँ पे गांठी मारी, ठीक, तो इसको जो है इसके सहारे से, ठीक है, इस रोले के सहारे से हम कपड़े को इस प्रकार से खींचते हैं। इस प्रकार से खींचेंगे तो अपने आप वो रोले में आएगा और गट्ठी अपने आप चली आएगी। जब गट्ठी टेम्पल के पार हो जाती है तब हम सब मशीन को चालू करते हैं। यही है मशीन चलाने की प्रक्रिया।